हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिजाबी गर्ल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को शेयर किया, लाइक किया और सब्सक्राइब भी किया, और इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और इसके अलावा जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो वीडियो देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर लिया करें। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जेवल की फनी वीडियो, जिसका टाइटल ही इतना फनी है और टाइटल है उसका झंडू बाम। जब मैंने देखा तो मुझे इतना फनी लगा कि ये किस तरह का टाइटल है, तो वीडियो तो मजे की होगी। तो फिर मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया, तो मैंने सोचा क्या बात है, इस वीडियो की आप लोगों के साथ तो शेयर करना इसका बनता है। तो जेवल जो है वो फनी वीडियोस बनाते हैं, जो न्यू चैनल पे मेरे आए हैं लोग, उनको बता दूं कि वो एक फनी जो है वीडियो बनाते हैं, जोक क्रिएट करते हैं, बहुत फनी होते हैं, बहुत मजे के होते हैं, न्यू होते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये वाली वीडियो भी जरूर शेयर करूँ और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज जेवल के साथ क्या हुआ। हाँ तो भाई साहब स्वागत है टू द बजमी है के विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। और भाई साहब आज का गेम प्ले तुम्हारा भाई खेल रहा है वही होलिका दहन वाला, क्योंकि यार अब हम माहिर हो गए इसमें सर्वाइव कैसे करना है। भाई साहब एक रग रग से वाकिफ हो गए इसमें। तो भाई साहब हम आ गए हैं QRI पे। पिछले बार भी आए थे लेकिन इमरजेंसी आ गई थी तो चले गए थे। अब ये बताओ धोखाधड़ी का केस तो नहीं लगेगा, क्योंकि यार इस होली में तुम्हारे भाई के ऊपर केस हो गया। भाई साहब मैंने एक लौंडियों को अबीर लगाई और वो बावड़ी छेड़छाड़ कर रपट लिखवा के चली गई पुलिस स्टेशन में, कह रही है मेरे मांग में सिंदूर भर दिया। अरे पगली प्यार था तो सीधा बोल देती ना, तो ऐसे छेड़छाड़ कर रपट क्यों लिखवाई। वो तो भाई मैं शुक्र गुजार हूँ अपनी मम्मी का भाई साहब टाइम पे उठा दिया, नहीं तो मैं तो अभी थाने में होता और मैं इस काल का पहला ऐसा बंदा होता जो बिना सेटिंग किए थाने में थाना था। खैर यार हमने सुना यहाँ पर ऊपर ओपन करने से बहुत सारी लूट मिलती है, तो एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे आएगा भी कुछ लाइटें इतनी ज्यादा तिलमिला रही है, तो दैट्स मीन गजोरा आ सकता है, लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट आ सकता है। भाई भाई साहब झोला भी आ सकता है यार। हाँ लेवल 3 का झोला, हेलमेट वेस्ट लेवल 3 का कुछ आया तो भाई साहब हमको मिल गई है सलवार और UMP। अब देखो भाई साहब बंदे तो आए नहीं, तो हम सब आपस में खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि यार दोस्त किसी दुश्मन से कम नहीं। देखो जो स्प्रिंग लगा है उस पर मौली डाली जाएगी, फिर उस पर आपको जंप कर, अब देख रहा ये है आग लगती है कि नहीं जंप करने पे। अरे अबे आग नहीं, लंकर लग गई, माँ की आग और वॉट साले बचा ले बे। हाँ भाई साहब बच गया बच गया। अब देखो भाई साहब हम तो बच गए लेकिन यार ये दो ठो झुक गए हैं, तो भाई साहब इनको रिवाइव दे देते हैं, क्योंकि यार टीममेट जो होते हैं वो चूतिया समान होते हैं। अरे रुक गया चार रिवाइव दे दे, कहाँ उधर भाग रहा, अबे उड़ गया अबे मैं तो, रुक जा आ रहा हूँ। अबे बंदे भी फायर कर, अबे रुक जा अबे, अरे फिर से उड़ गया, रुक जा जानबूझकर गलती से मिस्टेक हो गई, आगे, अरे फिर से उड़ गया यार, रुक जा इस बार डायरेक्ट तेरे पास ही आऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। बे यार ये कूदे जा रहा है, रुक नहीं रहा है चार, रुक जा थोड़ा। हाँ अब मिल गया, अब फिर से उड़ गया, रुक जा यार जानबूझकर मिस्टेक होती जा रही है बार बार मेरे से, अब की हो जाएगा। अबे यार तू वहां से हट जाना बे चूतिया, बार बार वहीं पे जा रहा हूँ तो वहीं पे उछल जा रहा हूँ। हाँ आ गया अबे हटो बे, मुझे खेलना ही नहीं है, मैं जंपिंग कम खेलूंगा केवल। हो गया क्या रिवाइव, चलो ठीक है फिर हो गया। तो अब देखो यार भाई साहब सब लोग रिवाइव हो गए, तो हमको मिली है साइकिल, हम पहले हीलिंग कर लेते हैं फिर साइकिल चला के आपको दिखाते हैं। और यार एक चीज हमारे आंखों में खटक रही है, अब नहीं खटक रही है, अब सही है। अरे तेरी माँ का पैर चुभे, बचा बचा बचा, अबे पीछे आ भाई पीछे, अबे बन जा साले आज ही 30 मार का बन जाओ सब। हाँ भाई बच गया। अब देखो भाई साहब रिवाइव होते ही जाऊंगा, पहले HR की पेटी लूटूंगा। बंदों को तो इन लोगों ने मार दिया है, पवन ने भी उसको मार दिया लगता है। आए हाय मजे भाई साहब पेटी आए, अबे कवर फायर दे गुरु बहुत बढ़िया भाई साहब, थैंक यू अति उत्तम। साले तेरी लुगाई की कसम पवन, अगर तूने इसकी पेटी लूटी, साले लूट लिया चूतिया, चादर मोर टीममेट मिल गए। साले ऐसे ऐसे लोग आने लग गए इस जमाने में, लुगाई की कसम दो तो भी कुछ नहीं करते। अबे भाई 3x मिला केवल। चलो भाई यार साइकिल मिल गई है, बढ़िया बात है मेरे लिए। तो भाई यार आप सभी को एक न्यूज़ देनी थी। देखो 1 अप्रैल आ रहा है, ये दिन भाई साहब पूरे साल का सबसे सुनहरा मौका रहता है सेटिंग बाजी करने की। अब देखो यार किसी न किसी की कोई ना कोई क्रश रहती है, और भाई साहब दिन की अच्छे से शुरुआत करनी है ना, तो क्रश और ब्रश दोनों को अच्छे से याद कर लिया करो। अब देखो यार 1 अप्रैल वाले दिन आपको करना क्या है, सीधा जाके मुंह पे बोल दो आई लव यू, ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं बोलना आई लव यू, ऐसे नहीं बोलना ऐसे रोमांटिक आई लव, अबे ऐसे कुछ ऐसे कर दे, अश्लील नहीं निकालना बस, और हवस भरे आंखें नहीं ले जाना उसके पास, और सीधा बोल दे अगर एक्सेप्ट कर ले तो भाई साहब कूल, नहीं तो भाई अप्रैल फूल। और ये बहन तो बिल्कुल मत पालना कि वो फूल बन गई है सालो पपरोज।
प्रपोज तुम कर रहे हो फूल वो बन गई। बता रहा हूँ भाई साहब, आजकल के लौंडे तो इग्नोर को भी प्यार समझ लेते हैं। ध्यान रखना, रिचार्ज की बात आए तो सरक लेना पतली गली से। अब देखो भाई साहब, हम आए हैं अपने एचआर भाई साहब को रिकॉल करने। एक अच्छे टीममेट होने का गुण है तुम्हारे भाई के पास। पंसारी की दुकान से 50 रुपये किलो में लिया है, इसलिए तुम्हारे भाई के अंदर कुछ मिठास आ रही है। अबे यहाँ पे कुछ बंदे लग रहे हैं हमको। अबे फुटस्टेप आ रहा है भाई। अरे बचा लो, अबे आओ, अबे मार दी इसमें। अरे अरे पूरा पेल दी, बचा। तो भाई साहब यार, हम रिकॉल हो गए हैं। भाई साहब मैं तो हमदर्द बनने की इरादे से गया था रिकॉल करने, साला सिरदर्द बन गया। ओ भाई साहब, बोट नहीं तो मेरी जिंदगी बचा रखी है। किसी आम पेटी में इतनी ज्यादा लूट मिल सकती है? देख रहे हो गोला एमओ भाई साहब, यकीन मानो आम के पेटी में तो इतना लूट मिल ही नहीं सकती। अब देखो यार, सामने वाली पहाड़ी पे कुछ बंदे हैं और भाई साहब हम आए क्लोज एंड फाइट लेने, क्योंकि यार लॉन्ग में ना थोड़ा दिक्कत होती है। अरे भाई साहब जनरेटर मिल गया, रुक जाओ भाई। आप देखो भाई साहब, क्लोज रेंज में तो और ज्यादा मजा आएगा। अगर भाई साहब एक बार चल गई ना तो जब तक नॉक नहीं होता तब तक रुकती नहीं है। यकीन नहीं है तो देख लो एक बार। रुक जाओ रुक जाओ। देखा, बोला था ना जब तक साला नॉक नहीं होता तब तक ये रुकती नहीं है। तो भाई यार जनरेटर हमारे हाथ में जम नहीं रही थी तो हम M4 ले लिए हैं। आप देखो तुम्हारे भाई घुस घुस के मारेगा। चलो भाई, ये साइकिल किसकी है बे? ले चलते हैं। ये गुरु का माइक ग्लिच हो गया है तो चलते हैं भाई साहब। अबे आ जाओ, ये बग्गी खड़ी है, इसको लेके आ जाओ। तुम लोग लूटो में मार रहा हूँ। अब भाई साहब अगर आपको स्प्रेस बचना है तो आप साइकिल में भी जिगल दे सकते हैं, जिसके फायदे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे इधर, लेकिन हर जगह स्वार्थ नहीं देखा जाता, फीलिंग्स भी देखो ना। अब देखो यार, हमने रस तो कर दिया है और यार दो तीन जगह फायर आ रही है। ये साला ऊपर में भागते हुए जा रहा। रुक भाई साहब, दूर दूर तक अगर कोई जीरो रिकाइल स्प्रे बोलता है तो उसके इमेजिनेशन में केवल और केवल नाम आता है जेवल। भाई साहब मैंने ऐसी अपनी छवि बना रखी है ना कि साला कोई भी चैलेंज दे जाता है कमेंट में 1v1 का। अब देखो जिस तरह मैंने बंदे को मारा है ना, अभी ऐसा ही हाल करूंगा अगर कभी आ गए लॉबी में। इसलिए एक ज्ञान की बात बताता हूं, इतने बड़े बनो कि आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे और आप लेटे हो तो तब कोई खड़ा ना रहे। तो आज लगता है मैं उतना बड़ा बन चुका हूं, क्योंकि मैं लेटा हूं तो मेरे बगल में HR भी लेटा है। तरक्की भाई तरक्की। अब जल्दी 4 चक्कों वाली और 4 छल्लों वाली गाड़ी खरीदूंगा और एक बंगला और एक BMW भी, क्योंकि यार अभी अभी एक स्प्लेंडर से LIC वाला एजेंट आया और मेरे को ये सारी स्कीमें बता गया है। भाई साहब उसकी बातें ऐसी थी ना, ऐसे लगता है मेले में खोया हुआ भाई मिल गया मेरे को। लौंडे ने 5 मिनट में इतनी ज्यादा गहराइयां बढ़ा ली, जीने ज्यादा मरने के फायदे बता दिए। लेकिन यार इनको सालों को कुछ बताओ यार, ये मतलब कोई भी स्कीम बता रहे, अगर आपको कुछ होगा तो आपको ये मिलेगा, अगर आपको कुछ होता तो आपको ये मिलता है। सालो मेरे को कुछ होगा तो उसको इस्तेमाल कौन करेगा? देखो यार हमारा पहले से 75 UC कट चुका है बजमियाई में, अब नहीं कटवाना। सामने हमने एक बंदे को डैमेज दिया, जा रहे सामने को फेंक मारेंगे। अब यार कंफ्यूजन है कौन से वाले पेड़ पे था, यही पे है। बस चादर मोड़ किल चोरी कर लिया यार। बजमियाई में कोई भी अपडेट आ जाए, कोई भी इवेंट आ जाए, लेकिन यार एक चीज कभी नहीं होगा बंद, किल चोर वाला आनंद। सारा कभी कभी ये आनंद मुझे मिलता है। अब देखो यार हमने इतना ज्यादा घूमा टहला भाई साहब, नाक रगड़ी हर जगह, लेकिन यार 3 के 3 ही किल है। अरे 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 पूरा पेल, पूरा पूरा मार, पूरा फिनिश कर एकदम। अरे बस बस बस, थैंक यू, अति उत्तम। अभी जानो मत, मैं भी आ रहा हूं। अब कुछ नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग यही सोचेंगे मैं मरने जा रहा हूं। देखो यार, सोच बदलोगे तभी देश बदलेगा, ठीक है? अब ये जेवल पुराना वाला जेवल नहीं रहा कि कहीं भी रस करने जाए और वहां पे जाके मर जाए। नाउ द टाइम हैज बीन चेंज्ड, मेरी इंग्लिश भी हैज बीन सुधर रही है। अब देखो सामने वाले पेड़ पे बंदा आई पेटी लूट रहा होगा। अबे ये साला पवन कहीं जाके घुस के ना मार दे उसको, इसको कंफ्यूज करते। इधर वाले पेड़ पे, इधर इधर, हाँ इधर ही है। हाँ हाँ जा राइट पे है, मेरे राइट पे। अरे मर जाना भाई यार, देख तेरे गन से मारने यार। अरे अति उत्तम भाई यार, तू कहाँ था यार अभी तक? अब देखो यार हम साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, हम कहे यार बग्गी ले लेते, क्योंकि यार साइकिल में ना घाटा बहुत है। साला बंदा तो इसमें उतार ही लेगा, लेकिन यार जोन किसी से कम नहीं भाई साहब, वो तो और पेलेगा। अब भाई साहब हम यहाँ से जाने की तैयारी कर ही रहे थे तभी देखते एक बग्गी आ जाती है, जिसमें से कि एक बंदे को तुम्हारे भाई ने फुर्ती से उतार दिया। अब बारी है लास्ट वाले की, ये अगर रुक जाते तो भाई साहब इसको, अबे रुक गया, ऐसे कैसे रुकना था बे? भाई बस उड़ान भरने वाला था लेकिन यार विमान क्रैश हो गया। आप देखो यार पीछे भुट्टे पर एक बंदा उड़ा गया इनका लास्ट वाला। देखा भाई साहब, ऑल डेड, अति उत्तम क्लच। बोला था ना भाई यार, ये बताओ 1v1 करने के लिए कह कौन रहा था? मरना है क्या भाई, डर नहीं लगता मेरे से? आप देखो यार हम यहाँ से निकल ही रहे थे तभी देखते भाई एक गाड़ी, अरे शोरूम से नहीं निकलवाए, गाड़ी रस कर रही है हम पे। डरे तो नहीं हो ना? डर तो नहीं लग रहा है? एक मिनट क्लच लेके ही जाओ। अरे रे 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 रे, अबे एक मिनट ढिंडोरा पिटने दो। अबे दो नॉक है, रस कर दो। अबे नहीं नहीं, मेरा रिवाइव करो, फिनिश कर दे भाई, शील्ड बना शील्ड। अबे दो नंबर इधर आ। भाई साहब हमारी जिंदगी अंधेरे में जाते जाते बच गई। अब भाई साहब रुको, थोड़ा हीलिंग कर ले। देखो यार जिंदगी का तो एक ही वसूल है, डैमेज खाओ तो हीलिंग करो, सेटिंग पाओ तो फीलिंग करो। अब देखो तुम्हारा भाई लेगा क्लोज रेंज फाइट, क्योंकि लॉन्ग रेंज तो बच्चे लेते हैं। अबे मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ साला, कोई भी आके खेली खेली करके चला जा रहा है। अबे यार मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अगला मैच खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, लेकिन यार मेरे साथ तो ये दो नंबर तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। एक्सपर्टीज भाई एक्सपर्टीज, तुम्हारे भाई को इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी एक्सपर्टीज है। अबे यार ये बैंडेज वैंडेज लगाना बहुत बोरिंग लग रहा है, इसे चलते रस करते हैं।
अबे छोड़ो बे यार, दो नंबर तू अनइंस्टॉल कर दे भाई, बोट जिसे बंदों को नहीं मार पा रहा है तू। बे चादर मड़ो, रिवाइव कर रिवाइव। अबे बे ये टूटती भी है क्या, बताया नहीं बे। अबे यार पहले से बताया होता तो मैं इनको मारने के लिए इतना मेहनत ही ना करता। भाई साहब बेस मास्टर पहुंच गया। एक मिनट, मैं जा रहा अपने पद से इस्तीफा देने। अब मेरे को कौनकरा जाना है भाई साहब। फ्लो फ्लो में कहां से कहां तक आ गया, जिंदगी में पहली बार इस मास्टर गया हूं। अबे नहीं बे, आई थिंक दूसरी बार है, कल भी गया था। खैर छोड़ो यार, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और कमेंट कर देना, ठीक है? इट्स नॉट रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के ऑर्डर कर रहा हूं। देखा गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, इतनी मजे की इन्होंने वीडियो बनाई है, और टाइटल जो था झंडू बाम वो भी बहुत जबरदस्त था, बहुत फनी था, और वीडियो उससे ज्यादा फनी थी। मुझे लगा वीडियो में आज जो है क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोगों ने भी देखा, बहुत मजा आया, मुझे बहुत ही एंजॉय किया मैंने, और मेरे जो है आंखों में आंसू आ गए हंस हंस के, और यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे जब ये वीडियो देखेंगे। प्लीज मेरी वीडियो को पूरी देखा करें, और जो न्यू है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कैला हाफिज़।